नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिवारी। जिस तरह से 2022 की विधानसभा चुनाव में जो पहाड़ की हवाएं हैं, फिजाएं हैं, उसको आप तक पहुंचा रहा हूं। अभी तक हमने तमाम विधानसभाओं के सर्वे देखे, हमने देखा कि कांटे की टक्कर पहाड़ में इस बार होने जा रही है। लिहाजा हमने बात करनी चाहिए कांग्रेस के एक ऐसे शख्स से जो कोर टीम में है दिल्ली में राहुल की, और सोशल मीडिया के साथ साथ तमाम बड़ी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। उत्तराखंड में देहरादून में भी इनकी तैयारी है, आजकल देहरादून में काफी चर्चाओं में है वैभव वालिया। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कांग्रेस का जो मिशन 2022 है वो किस तरह से कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है, मोदी जी ने सिखा दिया। सोशल मीडिया में कांग्रेस इस वक्त कितनी आगे निकल रही है या कितने चैलेंजेस हैं? देखिए, सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है, और ये पहली बार होगा कि उत्तराखंड के चुनाव में सोशल मीडिया इतना बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। आज आप देखेंगे तो अगर कोई व्यक्ति अपना सो के उठने के बाद पहली चीज़ चेक करता है तो वो अपना मोबाइल चेक करता है। रात को सोने से पहले अगर आखिरी बार वो किसी चीज़ को देख रहा है तो वो अपने मोबाइल को देख रहा है। लोग अपने घरवाली के साथ में, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में इतना समय नहीं बिता रहे हैं जितना अपने फ़ोन के साथ बिता रहे हैं। हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी दूरस्थ क्षेत्रों में भी 10-10 घंटे का स्क्रीन टाइम लोगों का है, तो लोग अपने मोबाइल में आज के समय में व्यस्त रहते हैं। तो राजनीतिक दलों के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि आपको अपनी बात अपने मतदाताओं तक पहुँचानी है तो आपको उनके मोबाइल में घुस के अपनी बात पहुँचानी पड़ेगी। अब लोग तो मोबाइल देख ही रहे हैं, अगर आप अपनी बात नहीं पहुंचाओगे तो सामने वाली पार्टी उसे अपना कंटेंट देगी। इसलिए राजनीतिक दल भी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पे काफ़ी काम किया है। उत्तराखंड में हमने सोशल मीडिया पे हर विधानसभा वाइज ग्रुप्स बनाए हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और सभी प्लेटफॉर्म्स पे। तो सारे प्लेटफॉर्म्स पे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस पार्टी के पास में इन लोगों ने भरपूर कंटेंट दिया है, क्योंकि आप सारे मुद्दे देखेंगे तो हर मुद्दे पे सरकार बैकफुट पे है। तो वही सारे मुद्दों को लेके हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों के बीच में जा रहे हैं और हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। और मुझे विश्वास है कि सोशल मीडिया इस बार, जो आप कहते हो बार बार कि मोदी जी को बेनिफिट दिया, सबसे ज़्यादा मोदी जी रोएंगे तो सोशल मीडिया पर ही रोएंगे। अच्छा वैभव जी, हम बात करें, जब महंगाई चरम पे थी 2014 की बात करें, कांग्रेस की सरकार इसीलिए चली गई क्योंकि उन्होंने प्रचार प्रसार तगड़ा किया, बीजेपी ने महंगाई किया, कोयला घोटाला। आज वही स्थिति भाजपा के सामने चुनौती के रूप में है, लेकिन सोशल मीडिया में कांग्रेस उस तरह से मुहिम चला नहीं पा रही है जिस तरह से होना चाहिए। क्या हमें लगता है कि अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, टीम को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि कांग्रेस जो है वो नहीं पहुँचा पा रही है। आप यदि देखेंगे तो कांग्रेस पूरी ताकत के साथ में महंगाई का मुद्दा उठा रही है, बेरोजगारी का मुद्दा पूरी ताकत से उठा रही है। लोग त्राहिमाम हैं और लोग जागरूक हैं। आप देखेंगे कि हरी मुद्दे पे सोशल मीडिया के माध्यम से ही सबसे पहले, इवन टीवी चैनलों और अखबार में पढ़ने से पहले भी लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे मुद्दों को देख पा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी पूरी आक्रामक है महंगाई के मुद्दे पे। खास तौर से सारी बार हम लोग कह रहे हैं, भैया आप लोग जब 300 हमारा 350 रुपये का सिलेंडर होता था तब स्मृति ईरानी जी सिलेंडर सर पे रख के सड़कों पे आ जाती थी, आज जो है 1000 पार सिलेंडर हो गया है, 1000 रुपये लोगों को उसी सिलेंडर के देने पड़ रहे हैं। आज वो सिलेंडर का वजन बहुत भारी हो गया क्या? उस समय वो बड़ा हल्का था कि आप उसे उठा के तुरंत दौड़ते फिरते थे, आज आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं लोग मान रहे हैं। पेट्रोल जिस तरह से आपने कर दिया, 107 रुपये का पेट्रोल यहाँ बिक रहा है, 98 रुपये का डीजल यहाँ बिक रहा है, 250 रुपये का आपका सरसों का तेल खाना बनाने का बिक रहा है, 80 रुपये किलो टमाटर है, प्याज का क्या हाल आपने कर दिया। तो महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं, और वो मुद्दों को लेके सोशल मीडिया पे भी और ज़मीन पे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह से आक्रामक हैं, सरकार को पूरा घेरने का काम कर रहे हैं। सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे है। कैसे आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे अग्रेसिव नहीं है? 3-3 मुख्यमंत्री उन्होंने बदल दिए। क्यों बदले? अगर वो बैकफुट पे नहीं थे, अगर नहीं सरकार को कांग्रेस वाले घेर रहे थे, तो 3 मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्या पड़ी? ऐसे ही इन्होंने अपने आप से नहीं बदले, ये कांग्रेसियों के दबाव से बदले। तो तीनों मुख्यमंत्री महंगाई की मार से राहत देने में विफल रहे हैं, तीनों मुख्यमंत्री बेरोजगारों की मार से युवाओं को राहत देने में विफल रहे हैं। अब की बार इनको, तीनों के तीनों मुख्यमंत्रियों को, मैं तो इन्हें तीनों को बोलता हूँ गांधी जी के 3 बंदर थे, ना एक को सुनाई देता था, ना दिखाई देता था, ना एक बोल सकता था। तीनों बंदरों की खूबियाँ अगर किसी में है तो इनके तीनों मुख्यमंत्रियों में है, और जनता इन्हें सबक सिखाएगी। अच्छा वैभव जी, जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, चूँकि आप उसके एक्सपर्ट हैं, कांग्रेस में बड़ी रोल अदा कर रहे हैं, कांग्रेस उस मुद्दों को नहीं उठा पाती सोशल मीडिया में जो आम आदमी पार्टी
भाजपा के तस्वीरों को वीडियोस को क्विक ले लेती है, मिनटों में वो सोशल मीडिया में आम आदमी पार्टी वायरल करती है। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी कहीं ज़्यादा सक्रिय है सोशल मीडिया में बीजेपी पर अटैक करने के लिए? देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सोशल मीडिया पे एक होता है ऑर्गेनिक कंटेंट, जो आपने कोई चीज़ डाल दी तो वो आपके दोस्तों को दिखाई दे रहा है। एक चीज़ होती है जो पेड कंटेंट होता है, वो ये होता है कि आप उसके पीछे पे 50,000 रुपया 1,00,000 रुपया खर्च कर रहे हो, तो वो एक अपने एक क्षेत्र चुन लिया कि भैया उत्तराखंड के लोगों को ये हमारा दिखाई देगा। आम आदमी पार्टी की पूरी दुकान पैसे के दम पे उत्तराखंड में चल रही है। ना उनके पास में ज़मीन पे लोग हैं, ना उनके पास में उत्तराखंड के मुद्दों की कोई समझ है, ना उन्होंने उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए कोई संघर्ष किया है। वो मात्र सोच रहे हैं कि जैसे उत्तराखंड एक पर्यटक हमारा प्रदेश है, तो वो ये सोच रहे हैं जैसे पर्यटक के तौर पे वो यहाँ आ गए हैं। तो खैर, हमारे लोगों का पर्यटन भी मुख्य रोज़गार का साधन है, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं जैसे हम पर्यटकों का स्वागत करते हैं। बाकी मैं आपको उनकी बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ वो पैसे के दम पे कर रहे हैं। हर विधानसभा में आप देखेंगे सोशल मीडिया पे उनका प्रमोशन चल रहा है, बड़े बड़े होर्डिंगों में उनका प्रमोशन चल रहा है। हर विधानसभा पे उन्होंने रिसर्च का लड़का 1,00,000 रुपये 1,50,000 रुपये की सैलरी पे लगा रखा है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? वैभव जी, क्या आपको लगता है, जैसा कि लोग कहते हैं राजनीति देश की बदल रही है, युवा देश है, हमारा प्रदेश भी युवा है, यूथ बड़ी संख्या में पार्टियों से जुड़ रहे हैं, अब जो पुराने ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन होते थे वो चुनाव के समय आते थे, वादे करते थे और गायब हो जाते थे। समय बदल चुका है, युवाओं को आगे आना होगा। IITians हैं, मेडिकल साइंस के लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, यानी वो लोग जो ब्रिलियंट हैं, टैलेंटेड हैं, एजुकेटेड हैं, अब उनके पॉलिटिक्स का ज़माना आ गया है। नहीं, बिल्कुल, मैं तो बार बार ये बात रखता हूँ कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। अगर एक किसी की एक अपनी बड़ी कंपनी भी होती है, बड़ी से बड़ी कंपनी का आप साल का बजट देखेंगे 20 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया मैक्सिमम, 100 करोड़ रुपए जिसकी कंपनी का सालाना बजट है, वो IIM से लड़के लेके आता है उस कंपनी को चलाने के लिए, IITians लेके आता है, विदेश में काम करे हुए लोगों को लेके आता है, और हमारे प्रदेश का जो बजट, जो 1,000,000 करोड़ रुपए एक प्रदेश का बजट होता है, उसको चलाने के लिए आप हर नौसिखिए को दे देते हो। हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे मंत्री बने बैठे हैं जो कहते हैं जी मैंने एक ऐसी ऐप देखी है कि आज यहाँ बारिश हो रही है, कल बारिश में श्रीनगर कर देगी वो ऐप। ये बातें सुन के हमें तकलीफ होती है, लोगों को हंसी आती है, मेरे जैसे युवाओं को तकलीफ होती है कि क्या मजाक है। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री यहाँ पे बने हैं जो कहते हैं भैया 10-10 बच्चे पैदा करो। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो कहते हैं जी कि भैया महिलाओं का ये जीन्स देखो, इधर से फटा है, उधर से फटा है। तो आप एक 100 करोड़ की कंपनी चलाने के लिए आप लड़का लाओगे IIM से, IITian से, और 1,000,000 करोड़ रुपए का जो प्रदेश का बजट है, जो जिससे प्रदेश के आम जन को राहत देना है, उनके लिए विकास का काम करना है, उसको चलाने के लिए आप हर अरे गहरे नत्थु खेरे को बिठा देते हो। तो वो देख के युवाओं के मन में पीड़ा है, फ्रस्ट्रेशन है, और मैं युवाओं से कहता हूँ कि भैया आओ, इस स्पेस को कब्जाओ, इस स्पेस में काम करो, देश के लिए कुछ करो। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, तो अपने स्वदेश से प्यार करो, अपने प्रदेश से प्यार करो। उत्तराखंड एक युवा प्रदेश है, 21 साल का हमारा प्रदेश होने जा रहा है। हमारे प्रदेश में प्रतिभाओं की कहीं कमी नहीं है, एजुकेशन का, स्कूल एजुकेशन का, ये हमारा देहरादून शहर ही एक हब है। यहाँ का बच्चा कहीं मार नहीं खाता है पूरे देश में, विदेश में, लेकिन यहाँ के बच्चे को उसकी काबिलियत के अनुसार यहाँ अवसर ही नहीं मिल पाते हैं, मजबूरन उसे बाहर जाना पड़ता है। हम उत्तराखंड को पूरे देश का सबसे अग्रणी प्रदेश बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा, ऐसे नीतियाँ बनानी पड़ेगी जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हों, कुछ खास विशेष वर्ग के लिए फ़ायदेमंद हों, ऐसी नीतियों से काम नहीं चलेगा। तो डेफिनेटली मुझे लगता है युवाओं को आना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि आएंगे भी। अच्छा, राहुल गांधी जी ने आपको देहरादून में उत्तराखंड की कैंट विधानसभा में काम करने को कहा है, जैसा कि आजकल दिख रहा है, काफ़ी सुर्खियों में भी हैं आप देहरादून में, क्या कहा है, क्या मिशन है, और वैभव वालिया 2022 में क्या करने वाले हैं? देखिए, देहरादून कैंट जो विधानसभा है, वहाँ पे 8 बार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। मैं कांग्रेस पार्टी में काम करते हुए मैंने लगभग 20 से ज़्यादा प्रदेशों में कांग्रेस के लिए सोशल मीडिया के माध्यम पे काम किया है। हम पूरे देश भर में घूमते हैं, लेकिन हमारे दिल में एक पीस है कि जो हमारे घर की विधानसभा है, वहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ी हुई है, और 8 बार से, जब से मैं पैदा हुआ तब से आप विधायक हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतने लंबे समय तक सेम व्यक्ति विधायक रहा हो, तो अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि यार वहाँ तो कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए, वो तो विधानसभा ऐसी होनी चाहिए कि मॉडल विधानसभा होनी चाहिए पूरे प्रदेश के लिए। लेकिन जब मैं वापस आके अपनी विधानसभा में, अपने घर में, अपने मोहल्लों में देखता हूँ, तो मुझे गोविंदगढ़ में पानी की समस्या आज भी दिखाई देती है, मुझे पंडितवाड़ी में पानी की समस्या आज भी दिखाई देती है, मुझे टूटी हुई सड़कें दिखाई देती हैं, मुझे हर बारिश के बाद जलभराव दिखाई देता है, मुझे आज तक विधानसभा में 8 बार के
विधायक द्वारा बनाया गया कोई भी बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं दिखाई देता। 8 बार से एक ही व्यक्ति विधायक है भैया, वो मंत्री रह चुके हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। विधानसभा के अंदर एक भी बड़ा सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है, एक भी बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है। कोरोना की बीमारी हमारे बीच में आई, लोगों ने कितने त्राहिमाम रहे। तो समस्याओं का अंबार इतने बार के विधायक रहने के बाद भी तो हम लोगों को ये पीड़ा होती है यार। इसका मतलब तो मतलब वही सब बातें वो होती हैं कि भैया विधायक जी जीतते भी जीतते जा रहे हैं लेकिन जनता के समस्याओं से उनका कोई सरोकार नहीं है। मैं वो नहीं कहता कि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन मैं जनता से ये कहता हूँ कि भैया 8 बार आपने एक व्यक्ति को मौका दिया है, एक बार इस देहरादून के आम युवा को मौका देके भी देखिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत काम किया जा सकता है, हम उनसे बेहतर काम करके देंगे। आखिर में एक सवाल और बनता है, हर्डल्स बहुत है, ब्रेकर्स बहुत है और आपके कंपटीटर बहुत हैं, जैसा कि हम नाम नहीं लेंगे लेकिन 2-3 ऐसे बड़े नाम हैं जो लगातार इस विधानसभा में सक्रिय हैं। वैभव वालिया को कितना भरोसा है कि 2022 में पार्टी उन्हें ही टिकट देगी और कहेगी कि नहीं, युवा हैं, प्रतिभाशाली हैं, आप आगे आइए। मुझे पूरा भरोसा है, मैं आपसे ये कह सकता हूँ, मैं ये चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे ये चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मुझे मेरी जो मेहनत है और जो मैंने कांग्रेस पार्टी के अंदर रहते हुए काम किया और जितनी मेरी देहरादून कैंट की समझ है, उन सारे मुद्दों को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे लड़ने जा रहा हूँ। इस बार पार्टी मुझे डेफिनेटली टिकट देगी, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। तो मैं पार्टी की तरफ से लोगों के बीच में जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि लोगों को समस्याओं के निवारण के लिए योगदान दे सकूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, राजनीति बड़ी दिलचस्प होती है और वो तब दिलचस्प हो जाती है जब वो 2022 का दौर हो, युवाओं का दौर हो। राहुल की कोर टीम में वैभव वालिया जिस तरह से कई प्रदेशों में अपनी हुनर और अपने जो चाणक्य की नीति है, सोशल मीडिया के जरिए हो या अलग अलग बातों पे हो, दे चुके हैं, उसका नतीजा है कि 2022 में कैंट विधानसभा में कह रहे हैं कि राहुल गांधी का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा और जो तमाम तरह के प्रत्याशी दावे कर रहे हैं वो भी मिलकर एक मंच पर खड़े होंगे और 8 बार के जो विधायक हैं, जो किला है बीजेपी का, उसे इस बार वो जीत लेंगे। हम भी देखते हैं कि 2022 में जब ईवीएम की मशीनें खुलेंगी तो वैभव वालिया के खाते में कितने वोट होंगे। फिलहाल अगली विधानसभा में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए आशीष तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्य के साथ।